प्रणाम, हम आप सबके सबसे चहिता हीरो प्रदीप पांडे चिंटू और देखते रहिए भोजपुरी अड्डा। भोजपुरी के चाहते दुलारे हीरो हमारे साथ प्रदीप पांडे, आज उनका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले भोजपुरी अड्डा देखने वाले सभी दर्शकों को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और जैसा कि बात है, आज मेरे लिए बहुत दुगनी खुशी की बात है, चूँकि मेरा जन्मदिन है और उसी के साथ मेरी नई फिल्म की मुहूर्त हुई है, जिस फिल्म का नाम है ससुराल। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी बेहतरीन फिल्म है, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। साथ ही साथ जहाँ तक की बात है जन्मदिन की, तो जब जब किसी भी लड़के का या किसी भी इस धरती पे प्राणी का जब जब जन्मदिन आता है, तो उसके लिए वो दिन सबसे खुशनुमा होता है, सबसे खूबसूरत होता है। और मेरे लिए भी ये दिन बहुत खूबसूरत है, बहुत खुशनुमा है। मेरे लिए सबसे जो खुशी की बात है वो ये है कि शुरुआत हर बच्चे की होती है अपने माता पिता के आशीर्वाद से और परिवार वालों के आशीर्वाद से। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरे परिवार के आशीर्वाद के साथ साथ मेरे पूरे भोजपुरिया समाज, पूरे भोजपुरिया परिवार के आशीर्वाद भी मिले, सबके विशेष मिले। खूब सारे मैसेजेस आए, खूब सारे फ़ोन कॉल्स आए, सबके आशीर्वाद प्राप्त हुए, तो ये मेरे लिए बहुत दुगनी खुशी की बात है। और उससे बड़ी खुशी की बात ये भी है कि आज हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी फिल्म का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं, जिस फिल्म का नाम है ससुराल। जो गिफ्ट क्या मिला है आपके पिताजी? काफ़ी कुछ मिला है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे मिला है आज के दिन। सबसे बड़ी फिल्म शुरू हो रही है, अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म शुरू होने जा रही है, जिस फिल्म का नाम है ससुराल। और मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा तोहफा, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता है, तो ये मेरे लिए सबसे प्रीशियस और सबसे मेमोरेबल तोहफा है। साथ ही साथ जहाँ तक की बात है गिफ्ट्स की, तो मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है मेरे सारे दर्शकों के गिफ्ट्स का, और वो गिफ्ट रहता है उनका सदा हमेशा गिफ्ट के रूप में उनके प्यार और आशीर्वाद मुझ तक पहुँचते हैं। और मैं ये दुआ करूँगा कि जब तक जीऊँ, जब तक इस धरती पर रहूँ, इस धरती पर रहते रहते मेरे दर्शकों का प्यार और आशीर्वाद यूँ ही कायम रहे, यूँ ही बरकरार रहे। सर, जैसे कि इस साल की आपकी जो फिल्म है बहुत ब्लॉकबस्टर रही, बहुत हिट रही और आपके किरदार को बहुत काफ़ी सराहा गया, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी की बात है ये, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला इस फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से सारे दर्शकों ने खूब सारा प्यार दिया। और जो सबसे बड़ी बात रही कि लोगों ने एक चेंज ओवर को पसंद किया, एक बेहतरीन फिल्मों का, अब चूंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट का दौर बहुत अच्छा चल पड़ा है, जहाँ पे अब कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बेहद खुश हूँ कि मेरे दर्शकों ने मुझे, हम सभी ने काफ़ी मेहनत की थी उस फिल्म के लिए, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से के लिए, चाहे वो टीम टेक्नीशियंस हो, चाहे कलाकार हो, चाहे पर्दे के पीछे के जितने भी लोग हो, हमारे स्पॉट बॉय से लेके, सेटिंग वालों से लेके, जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने खूब मेहनत की उस फिल्म के लिए। एक्शन मास्टर ने, हमारे डांस मास्टर्स ने, सभी ने बहुत सारी मेहनत की थी उस फिल्म के लिए, और सबका मेहनत सफल हुआ, सबकी मेहनत रंग लाई, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और सब बहुत सपोर्टिव रहे फिल्म के मेकिंग के टाइम पे, और हम उसी उम्मीद के साथ, उसी आशा के साथ हम नई फिल्म की शुरुआत कर रहे हैं ससुराल, और इसके बाद हम उसी फिल्म, ब्लॉकबस्टर फिल्म दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से 2 की निर्माण की शुरुआत करेंगे। कंपटीशन की बात करें, कितना आप खुद को स्ट्रेस फील करते हैं अगर कंपटीशन की बात करें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, पवन सिंह है, केसारी है, हर कोई बड़े बड़े हैं, नीरोवा जी है, तो आप खुद को कितने नर्वस फील करते हैं अगर इतने बड़े स्टार हैं तो? दरअसल जहाँ तक की बात रही कंपटीशन की, तो मैं तो बहुत अलग हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे सीनियर्स हैं, इन सब ने बहुत उम्दा और काफ़ी बेहतरीन काम किया है हमारे इंडस्ट्री में, और हमारी इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत पोजीशन पर, जगह पर लेके गए हैं, तो उन सभी की मैं तहे दिल से बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत मानता हूँ, बहुत आदर सम्मान करता हूँ, और उनसे, हर सीनियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, कुछ ना कुछ पाया है, कुछ ना कुछ मिला ही है मुझे। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही है कि मैं इसी इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, छोटे से इसी में बड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सबकी, सबसे, सबके साथ खेला हूँ, सबके साथ कूदा हूँ, सबके साथ बड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए बहुत एटमॉस्फेयर, बहुत जो माहौल रहा है वो हमेशा पारिवारिक माहौल रहा है, मेरे हमेशा परिवार की तरह सभी लोग रहे हैं, और सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, तो कंपटीशन की शब्द कोई इस्तेमाल करने से कोई बात ही नहीं है हम लोगों में। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे इंडस्ट्री में सबसे जो खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारे एक्टर्स में, सारे हीरोज़ में, सारे हीरोइंस में, जितने भी को एक्टर्स हैं, जितने भी सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सब में एक पारिवारिक सा माहौल होता है, सब एक परिवार की तरह होते हैं, चाहे हमारे टेक्नीशियंस हो, चाहे आर्टिस्ट हो, जितने भी, सारे एक परिवार की तरह माहौल होता है, तो कहीं फीलिंग नहीं होता कि हम किसी कॉम्पिटिशन में हैं या किसी एक दौड़ में हैं।
हम सिर्फ यही फील होता है कि हम एक सिनेमा का निर्माण कर रहे हैं, एक सिनेमा बना रहे हैं, और हम हमारी ये कोशिश होती है कि हम खूबसूरत से खूबसूरत सिनेमा बनाएं हमारे दर्शकों के लिए, जिनकी हमेशा से उम्मीद रहती है, एक लालच रहता है कि हम अगर चिंटू की फिल्म देखने आ रहे हैं, चिंटू भाई का सिनेमा देखने आ रहे हैं, तो उस सिनेमा में हमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अजूबा, कुछ ना कुछ नया और यूनिक देखने को मिलेगा, और चिंटू का एक अपना स्टाइल और अपनी अल्लड़पन, एक अपना अंदाज देखने को मिलेगा। अगर फिल्म की बात करें, कौन सा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला इस फिल्म के लिए आपको अपने फ्रेंड्स या अपने दोस्तों से या अपने परिवार वालों से? इस फिल्म के लिए स्पेशली बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से के लिए, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन फिल्म थी, काफ़ी बड़ी फिल्म थी, काफ़ी बड़े बड़े कलाकार थे, काफ़ी बड़े बड़े टेक्नीशियंस थे जो अपने अपने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग थे, उन्हें बुलाया गया था, साउथ इंडस्ट्री से कैमरामैन थे, एक्शन मास्टर्स थे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग, बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट कलाकार सभी लोग थे, तो कॉम्प्लीमेंट्स हर जगह से मिले कि बहुत अच्छा काम रहा, बहुत अच्छा, सभी लोगों को बहुत पसंद आया मेरे काम। तो ये हम कलाकार सिर्फ तारीफ, कॉम्प्लीमेंट्स और तालियों के भूखे होते हैं, हमें और कुछ की ज़रूरत नहीं होती। अगर यही मिल जाता तो हमें रोटी नहीं मिलेगी, तो ये मिल जाएगा तो भी हमारा पेट भर जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फिल्म लोगों को पसंद आई, जिस मंसूबे के साथ, जिस उम्मीद के साथ हम इस फिल्म का निर्माण किया था, हमने इस फिल्म को बनाई थी, वो मेहनत हमारी सफल रही, वो उम्मीद हमारी, हम वो उम्मीद पर हम खरे उतरे लोगों के, तो बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे। और हमारी ये पूरी, मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि आगे मेरी जो भी फिल्में आने वाली हैं, उन सारी फिल्मों पर जो उम्मीद, जो हमारे दर्शकों की जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर मैं खरा उतरूँ और अच्छी से अच्छी बेहतरीन फिल्में देता रहूँ। जन्मदिन की बात करें तो आज किस तरह का सेलिब्रेशन होगा, शाम के वक्त आप कुछ सेलिब्रेशन करने जाएंगे? दरअसल मैं काफ़ी टाइम शूटिंग में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ साल भर, तो घर काफ़ी कम समय मिलता है घर रहने का, तो मैं हर साल मैं मेरे बर्थडे पर मैं अपने घर वालों के साथ ही बिताता हूँ, क्योंकि घर वालों से ज़्यादा अच्छा आप कहीं सेलिब्रेट कर ही नहीं सकते बाहर। जब स्कूल डेज थे, कॉलेज थे, तो दोस्तों के साथ हम सेलिब्रेट करते थे, और अब तो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए, तो अब घर बहुत अच्छा लगता है, घर में सेलिब्रेट करना, अपने फैमिली वालों को टाइम देना, फैमिली वालों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना काफ़ी अच्छा होता है अपने रीति रिवाज के हिसाब से, तो वो काफ़ी बेहतरीन है। और मैं हर साल यही चाहूँगा कि जब भी मेरा बर्थडे, अगर मैं मेरे घर की तरफ रहूँ, तो अपने घर पे ही मनाऊँ। फिटनेस और लुक की बात करें तो यू आर लुकिंग फिटनेस गुड दिख रहे हैं, तो कितना आप इम्पोर्टेंट देते हैं फिटनेस के बारे में? आजकल बॉलीवुड में देखा जाए फिटनेस वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आमिर हो या सलमान हो, शाहरुख हो, तो आप किसको इंस्पायर करते हैं? एक्चुअली इंस्पिरेशन की बात ही नहीं है, सभी ने, जैसे सलमान सर हैं तो वो उनके तो उनका बॉडी, तो मैं खुद उन सब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वो सलमान सर हो, चाहे आमिर सर हो, चाहे अक्षय कुमार हो, लेकिन जहाँ तक कि बॉडी फिटनेस की बात है, तो ऑब्वियसली हम एक्टर हैं, हम हीरोज़ हैं, हमें बॉडी फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं, हमारे लोग चाहते हैं कि हम आइडियलिज्म बन जाते हैं उनके, कि हम इनकी तरह रहना चाहिए, तो हमें अपने आप को मेंटेन करना है कि अगर लोग अगर हमें फॉलो करें तो किन बातों पर, किन चीज़ों पर फॉलोअप करें, और सबसे जो पहली चीज़ आती है फॉलो की, वो पर्सनैलिटी आती है, तो ये मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो देता हूँ कि बॉडी पर्सनालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तभी फिल्म में खूबसूरत लुक आता है और लोगों को पसंद आता है फिल्म। बॉलीवुड में अगर किस स्टार के साथ अगर आप काम करना चाहे, अगर आपको कोई ऑफर आए, तो तीन खान में से या अक्षय कुमार, किससे आप काम करें? मुझे तो ऑफर आया तो मैं तो सबके साथ काम करूँ, क्योंकि मैंने बॉलीवुड की ऐसी शायद ही कोई फिल्म बच गई होगी जो मैंने नहीं देखी होगी, मैंने सारी फिल्में, सारे एक्टर्स की, सारे हीरोज़ की फिल्में देखी है, क्योंकि सारे एक्टर्स कहीं ना कहीं अपनी जगह पे एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मर्स हैं, कमाल के परफॉर्मर्स हैं, और हम सभी को उनसे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, हम आज भी सीखते ही हैं, चाहे वो अमित जी से लेके, दिलीप साहब से लेके, हमारे चीची बाबा गोविंदा सर हो, चाहे वो सलमान सर हो, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे अजय देवगन सर हो, तो अगर किसी एक की बात करें तो एक स्पेशली मैं एक किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, एक्ट्रेस तो यही बोलना चाहूँ कि जब जिसकी जो फिल्में आती है, मुझे उस वक्त वो एक्ट्रेस मेरी सबसे फेवरेट होती है, जब जिस वक्त जिस हीरो की फिल्म आती है, वो हीरो मेरे लिए सबसे फेवरेट होता है, तो ये मेरे लिए हमेशा एक फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है वो कि कैसा कौन परफॉर्मर है, बट अगर मैं किसी एक, अगर एक पर्सनालिटी की बात करूं जो मेरे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं और जिनको मैं ताउम्र फॉलो करता रहूंगा, उनका नाम है श्री राजकुमार आर पांडे, जिन्होंने मुझे बारीकियों से बारीकी सिखाई है हमारे एक्टिंग फील्ड की, एक्टिंग दुनिया की, कैसे परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, कितनी चालें चलनी है, कितना किस वे में डायलॉग बोलना है, तो मेरे आदर्श वही हैं और वही रहेंगे हमेशा। और जाते जाते मैं हमारे दर्शकों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो प्यार, जो आशीर्वाद आपने अपने इस बेटे पर, भाई पर हमेशा जो रखा है, वही प्यार, वही आशीर्वाद ताउम्र हमेशा रखें, और यूं ही अपना साथ, अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सो मच।